सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी जंग के दौरान ह्यूमन कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने के लिए अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जोर देने का फैसला किया गया है। अगर आपको याद होगा तो डिफेंस एक्सपो के दौरान डिफेंस मास्टर नाम की एक इंडियन कंपनी की तरफ से भारत की पहली टेली ऑपरेटेड अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल को पेश किया गया था, जिसका नाम सूरन है और ये बुलेट प्रूफ व्हीकल है जिसको किसी भी तरह की वेदर में या फिर ट्रेन में ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको सैटेलाइट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट किया जा सकता है। इसको और भी दो अलग अलग मोड में ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें डिफेंस मास्टर की मार्केटिंग मैनेजर इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सूरन के बारे में अभी तक किसी ने भी इतनी डिटेल कवरेज नहीं किया है। बाकी सूरन की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इसे टेस्ट करने का निर्णय लिया गया है और अगले महीने से इंडियन आर्मी सूरन की टेस्ट को शुरू करने वाली है। हालांकि सूरन को पहले भी टेस्ट किया जा चुका है और ये अभी प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें जो AI सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम निवाता है, उसको अभी वक्त के साथ साथ अपडेट किया जा रहा है। सूरन के अलावा डिफेंस मास्टर की तरफ से अभी एक ड्रोन को भी बनाया जा रहा है जिसका नाम स्काई एम्परर है, जिसके बारे में आगे चल के और डिटेल पता लगने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। अगर आप में से कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करते हैं या फिर आपकी जान पहचान है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। साथ ही अगर बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट या फिर कोलकाता से कोई है तो प्लीज मुझे फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा। एक और बात मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उस दिन मैंने एक बार बोला था तो एक ही दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था। अब जिस दिन मैं नहीं बोलता उस दिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जो लोग नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे भी इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग स्ट्रेस की वजह से छोटे छोटे चीजें भूल जाया करते हैं। तो अगला अपडेट त्रिची असॉल्ट राइफल को लेके है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची की तरफ से अभी त्रिची असॉल्ट राइफल यानी कि टार की पहली बैच को CRPF को डिलीवर किया गया है। पहले बैच के तौर पर CRPF को करीब 500 असॉल्ट राइफल को डिलीवर किया गया है। टार की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट 2015 से शुरू किया गया था और 2017 तक इसकी प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश कर लिया गया था। दरअसल ये AK-47 का एक इंडियन मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसकी कम से कम 10,000 यूनिट्स को अभी हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि VSF, CRPF, SSB, ITBP और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को सप्लाई किया जा चुका है। सबसे पहले इनको मार्च 2017 में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इस्तेमाल करना शुरू किया गया था और इसके बाद 2018 तक इसको जगदलपुर, रायपुर, श्रीनगर और गुवाहाटी में फील्ड टेस्टिंग करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। ये राइफल्स एक ही बार में लगातार 15,000 राउंड को फायर कर सकते हैं और इसमें GP-25 पर 30mm की अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स को लगाया जा सकता है। अभी इसकी दो मॉडल हैं जिसमें एक में फिक्स और एक में फोल्डेबल बट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसकी एक कार्बाइन वेरिएंट और एक 40mm की अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स को डेवलप भी किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके है। कुछ दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया था कि भारत अभी 18 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट को सप्लाई कर रहा है और अभी 15 इंडियन कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस दिया जा चुका है। इनमें से कुछ MSME कंपनी है जिसके बारे में पहले भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और जल्दी एक और वीडियो भी पब्लिश होने वाली है। तो अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किए गए लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट को हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है। अभी इन जैकेट्स को हमारे एलीट कमांडो यूनिट जैसे कि ऑक्टोपस और ग्रेहाउंड्स को भी सप्लाई किया गया है। ये जैकेट्स AK-47, SLR और यहाँ तक कि डगनॉफ स्नाइपर राउंड को भी रोक सकते हैं। इनको हल्का रखने के लिए इनमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बोरन कार्बाइड या फिर पॉलीएथिलीन जैसे मटेरियल शामिल है। इन जैकेट्स की प्राइस इसकी प्रोटेक्शन लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है और AK-47 की गोलियों को रोकने के लिए जिन जैकेट्स को डिलीवर किया गया है उनकी यूनिट कॉस्ट लगभग 40,000 रुपए के आसपास की है, जो कि शायद अभी तक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बुलेट प्रूफ जैकेट हो सकती है। जैकेट्स के अलावा अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से हेड गियर को भी बनाया शुरू किया गया है जो कि 9mm तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और अभी सालाना 10,000 जैकेट को बनाया जा सकता है जिसको आगे चल के और भी एक्सपैंड किया जा सकता है।
अगला अपडेट लॉयटरिंग मुनिशन को लेकर है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी इंडियन आर्मी के लिए करीब 100 लॉयटरिंग मुनिशन को खरीदने के लिए आरएफआई को इशू किया गया है। इसी साल के जनवरी में इसराइल की यू विजन नाम की कंपनी की तरफ से भारत की आदित्य प्रिसिटेक नाम की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया गया था और आगे चल के वो भारत में ए विजन नाम की कंपनी को शुरू करने वाले हैं, जो कि अलग अलग तरह के लॉटरिंग मुनिशन को भारत में मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ उनकी कंप्लीट आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं। यू विजन की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के नाम हीरो सिस्टम है, जिसकी कई सारे वेरिएंट है और इन सिस्टम की इंडियन वेरिएंट्स को पाम यानी कि प्रिसिशन अटैक लॉटरिंग मुनिशन के नाम से भारत में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। इंडियन आर्मी की आरएफआई में जो रिक्वायरमेंट दिए गए हैं उसके मुताबिक ये सिस्टम 20 केजी या फिर उससे कम वजन वाले होने चाहिए, इनकी रेंज 15 किलोमीटर और इनकी एंड्योरेंस 30 मिनट तक होना चाहिए। साथ ही इनकी ऑपरेशनल अल्टीट्यूड 300 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच होनी चाहिए। इन सिस्टम को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से डाटा लिंक के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा और एक बार इनको लॉन्च करने के बाद इनको सर्विलेंस रिकॉग्नेंस या फिर सुसाइड अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट चाइना को लेकर है। रिसेंटली पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अभी चाइना ने इलीगली कब्जा कर रखा है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। हमारे जूनियर फॉरेन मिनिस्टर बी मुरलीधरन जी के मुताबिक चाइना अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अपना दावा करता है, साथ ही लद्दाख के करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में चाइना ने पहले ही कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच जो सो कॉल्ड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को चाइना को दे दिया गया था, जो कि ऑफिशियली भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।